हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस से आपसे अपनी सीरीज पे, ठीक है भाई। तो अभी फिलहाल स्कूल की छुट्टी हुई है तो बाहर से थोड़ा शोर हो रहा होगा, तो जितना शोर हो रहा है सर उसको इग्नोर करना, ठीक है। फोकस करना खाली मेरी आवाज पे, ठीक है भाई। तो चालू करते हैं आज चलने वाले भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी सीरीज चल रही है। सेमेस्टर वन का बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो वो मैटर नहीं करता, बस आप सेमेस्टर वन में होने चाहिए, आप देख सकते हो सीरीज, ठीक है। आज करेंगे लास्ट वीडियो भाई इसकी, चैप्टर नंबर 9 की लीज ट्रांजेक्शन कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। आज पढ़ने वाले लीज के न्यूमेरिक, लीज अकाउंटिंग के जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है भाई 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन कब का आ जाता है कई बार, अगर 15 नंबर का आ गया तो भाई बल्ले बल्ले, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे जो ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिंग लीज का। ऑपरेटिंग लीज उतनी ज्यादा नहीं पूछी जा रही है, ठीक है भाई। फिलहाल अगर आपको और ज्यादा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना सर, जितनी ज्यादा वीडियो होगी उतनी ज्यादा बना दूंगा, वरना कंसेप्ट के हिसाब से आपका कलर मतलब यही टॉपिक कर लोगे तो हो जाएगा आराम से। तो भाई अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर लोगे, सिंपल ना। हाँ जी, तो कोशिश करना सर कॉल ना करें, टीम व्हाट्सएप करें सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे देंगे, वरना कॉल में कभी हम बिजी मिलेंगे कभी आप बिजी मिलोगे तो दिक्कत ज्यादा होती है, ठीक है भाई। तो चालू करते हैं अपनी, करते हैं भाई लीज अकाउंटिंग, और लीज अकाउंटिंग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है। कह रहा है डिटरमाइन द फाइनेंस लीज, ऑपरेशनल लीज, कैलकुलेट एमएलपी एंड प्रेजेंट वैल्यू। यानी आपको फाइनेंस लीज और चलते हैं ऑपरेशनल लीज, इनमें से कौन सी लीज का क्वेश्चन है वो आपको पहचानना है, और दूसरी चीज आपको बतानी है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी या फिर एमएलपी, दोनों सेम ही बात होती है भाई। प्रेजेंट वैल्यू या फिर एमएलपी आपको निकाली दिखानी है कि कितनी इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, सिंपल इतना। चलिए मतलब मैं समझा देता हूँ पहले क्या है लीज, क्या होता है सर आप भूल चुके हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक बंदा है जिसने अपना बिजनेस खोला है, ठीक है, तो वो जाता है दुकान पे, बोलता है मेरे को एक बड़ा सा टीवी चाहिए। दुकान पे जाता है और बोलता है मेरे पास, आपके पास इतने सारे जो टीवी है इनमें से मेरे को एक टीवी चाहिए आपका, ठीक है। वो बोलता है ठीक है आप पैसे दे दो और मैं टीवी दे देता हूँ। वो बोलता है मेरे पास पैसे तो है नहीं, वो कह रहा है कि किस्तों पे दे दो कि मैं आपको धीरे धीरे करके पेमेंट कर दूंगा आपको। वो कह रहा है नहीं हम किस्तों पे बेचते ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो यहाँ पे आता है एक फाइनेंसर, कौन आता है फाइनेंसर, जो बोलता है कोई बात नहीं आप इससे सारी डीलिंग कर लो कि आपका जो टीवी है उसकी कॉस्ट वोस्ट क्या पड़ रही है, आप कितने में ट्रांजेक्शन करोगे। तो वो बोलता है ठीक है हमने डिसाइड कर लिया 1.5 लाख का टीवी था, वो बंदा 1 लाख रुपए में मेरे को अपना टीवी दे रहा है, सिंपल। चलिए तो फाइनेंसर बोला 1 लाख रुपए फिक्स है ना, डन है, ठीक है। तो ये फाइनेंसर कहता है कि मैं 1 लाख रुपए दे देता हूं और इससे टीवी मैं ले लेता हूं, सिंपल। तो इसको 1 लाख रुपए दे दी और इससे वो टीवी इसने ले लिया फाइनेंसर। अब फाइनेंसर इसको वो टीवी प्रोवाइड कर देता है और बदले में इससे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले लेता है, जो भी इंस्टॉलमेंट मतलब लीज में पेमेंट ले लेता है, टुकड़ों में पेमेंट ले लेता है, किस्तों में, सिंपल ना। तो ये तो पार्टी हट गई, अब यहां पे बस ये दो पार्टी रह गई जो कि ट्रांजैक्शन कर रही है, ये इसको टीवी दे रहा है, ये बदले में क्या ले रहा है इससे। छोड़ देख रहे हो भाई कितने बार, तो अगर आप भी ऐसे बाइक वाइक चलाते हो सर बहुत दिमाग खराब होता है, तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका दिमाग खराब जाता है पढ़ते पढ़ते, तो अगर ऐसे करते हो तो दिक्कत ज्यादा होती है। तो भाई कोशिश करो ये सब बकवास चीजें ना करें, ठीक है। ये जो अबाबाजी दिखा रहे हैं ना थोड़े से, चलिए भाई शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बात आती है कौन सी, हाँ जी लीज की बात कर रहे थे। तो ये ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं इनके बीच में, सिंपल ना इतना। चलिए अब ये बोलता है भाई 1 लाख रुपए की चीज थी, अब तू किस्तों में दे रहा है, सोचो 1 लाख रुपए इसने पेमेंट कर दी। अब ये इंसान इतना स्मार्ट निकल गया, वो कह रहा है 10,000 रुपए की किस्त बना लेते हैं, तो इसने इसको पेमेंट करी अभी 10,000 रुपए, बाकी जो इसके 90,000 रुपए बच गए ये कहीं पे इन्वेस्ट करके वहां से इंटरेस्ट भी तो कमा सकता है ना। तो वो कह रहा है ये बंदा कि तू कहीं पे इन्वेस्ट करके मतलब उस पैसे से कहीं यूज भी करके उस पैसे का बाकी पैसे का अपना प्रॉफिट कमा सकता है। तो एक काम करो मेरे को इंटरेस्ट के साथ वो पैसा चाहिए, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। यानी जो 10,000 रुपए का सामान था 10,000 रुपए नहीं हमको चाहिए 11,000 रुपए, मतलब इंटरेस्ट मिला के। ऑब्वियसली बात है भाई अगर कोई किस्तों में आपको प्रोवाइड करा तो फ्री में तो प्रोवाइड करेगा नहीं, इंटरेस्ट मिला के प्रोवाइड करेगा। हाँ जी, तो वैसे ही सीन चल रहा है फिलहाल। तो वो कह रहा है जो भी हमने सामान प्रोवाइड किया वो 11,000 रुपए की किस्तों में, तो 10 साल की किस्त बनी, मतलब 10 साल की किस्त बनी, तो बन गया कितने का सामान, ये बन गया 11,000 के हिसाब से मतलब की 11 लाख रुपए का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ 11 लाख, 1,10,000 रुपए का, ठीक है भाई। लेकिन टीवी तो था कितने का 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितने का वो लिया 10,000 रुपए का, यानी जो इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपए है इंटरेस्ट। तो कह रहा है आपको ये इंटरेस्ट वाली वैल्यू यानी जो एक्चुअल वैल्यू है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं जो किस्तें दे रहा हूँ वो आपको बता देंगे, आपको निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू यानी वो टीवी था कितने का। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, मैं जो किस्त पेमेंट करते जा रहा हूँ हर महीने, जो मैं किस्त दे रहा हूँ वो आपको बतानी है कि मतलब मैं जो किस्त दे रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी पेमेंट मैं करूँगा हर महीने। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू रही क्या होगी टीवी की, वो आपको बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल बढ़िया। तो एक बार क्वेश्चन और समझ लेते हैं दोबारा ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है लेसर कॉस्ट प्रॉपर्टी लीज 2.5 लाख रुपए। लेसर कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी लीज की, तो उसकी कॉस्ट क्या है 2.5 लाख रुपए, मतलब कॉस्ट जो है वो है 2,50,000 रुपए, ठीक है सर, 2,50,000 रुपए की लीज है। कह
लेसर इज एक्सपेक्टिंग रिटर्न ऑफ 16%। लेसर कह रहा है मैं 2.5 लाख रुपए का तेरे से टीवी खरीदू, मतलब किसी दुकानदार से टीवी खरीद के मैं तेरे को प्रोवाइड करूंगा किस्तों पे, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट रेट कितना कह रहा है, इंटरेस्ट रेट कह रहा है वो 16%, कितना परसेंट, 16%। चलिए उसके बाद कह रहा है पीरियड ऑफ लीज जो है वो 4 साल है, मतलब कि जो लीज अकाउंट बनाओगे जब आप तो उसमें कितने साल की एंट्री होने वाली है, 4 साल, ठीक है भाई। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल का ट्रांजेक्शन, समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा भाई ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, भाई छुट्टी हुई है थोड़ा सा इग्नोर करना, मैंने पहले ही बोल दिया, सोच रहा मेरे को, ठीक है। तो जो रेजिडुअल वैल्यू है वो रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, जब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो टीवी है, जब ये कबाड़ हो जाएगा या फिर ये खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे कुछ कबाड़ी की तो वैल्यू मिलेगी ना, स्क्रैप वैल्यू की कुछ वैल्यू तो होती है ना, वो स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 4% जो भी कॉस्ट है उसका, तो कॉस्ट का 4%, यदि कॉस्ट जाए लाख इसका अगर 4% निकालने जाए तो रेजिडुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसका 4% बन गया, बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो हो गया, 2500 हो गया और 2 जीरो, यानी 10,000 रुपये जो है वो रेजिडुअल वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 10,000 रुपये रेजिडुअल वैल्यू। आगे चलते हैं, क्या है मतलब कबाड़ी की वैल्यू, रेंट पेड इन एडवांस। अच्छा रेजिडुअल वैल्यू के बारे में क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ एसेट विच वॉज पेड बाई लेसी, जो कौन पे करेगा, लेसी ही पे करेगा, यानी हमको ही देनी है, यानी इंटरेस्ट भी हम दे रहे हैं, उसका किस्त भी हम दे रहे हैं, और ये जो कॉस्ट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू है वो भी हमें देनी है, क्या है रेंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस, अच्छा एडवांस में पेमेंट करी है, ठीक है भाई, डाउन पेमेंट हमने टीवी की कर दी है 1,30,000। चलिए तो पहले साल का हम ये मान लेते हैं बिगिनिंग में, ये हो गया पहले साल का एंड में, यानी जिस दिन हमने टीवी लिया वो ये तारीख, उस तारीख को ही हमने कुछ डाउन पेमेंट कर दी, यानी मिनिमम लीज पेमेंट हमने कितनी करी बताता हूँ। तो देखो पहले साल की शुरुआत में ही जिस दिन हमने टीवी खरीदा उसी दिन हमने कितने रुपए की डाउन पेमेंट कर दी, 1,30,000 रुपए की, सिंपल। अब चलिए पहले साल का एंड आया तब हम कितने की पेमेंट कर रहे हैं, क्या है लीज रेंट पेड इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर की बिगिनिंग मतलब फर्स्ट ईयर का एंड है ना भाई, बिगिनिंग मान लेते चलो कोई बात नहीं, बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर, ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, ठीक है। तो सेकंड ईयर की बिगिनिंग में हमने पेमेंट करी है थर्ड ईयर की में, और फोर्थ ईयर की में पेमेंट करी है 80, 40 और 25 की, तो ये 80,000 की पेमेंट करी है हमने यहाँ पे, 40,000 की पेमेंट थर्ड ईयर की बिगिनिंग में और 25,000 की पेमेंट हमने करी है फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में, सिंपल। चलिए इतनी हमने पेमेंट कर दी, 4 इंस्टॉलमेंट बन गई, लेकिन 4 साल का जो इंस्टॉलमेंट बना है उसके बाद वो वैल्यू तो हमारी कबाड़ हो गई, वो टीवी तो कबाड़ हो गया इंस्टॉलमेंट में, तो वो कह रहा है टीवी भी तुम ले जाओ, वो भी रेजिडुअल वैल्यू देके, कबाड़ी की वैल्यू देके, तो एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर कितने रुपये देने पड़ेंगे हमें, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे ताकि टीवी हमें मिल जाए। ये तो सारी किस्तें थी लेकिन ये थी एंड ऑफ द फोर्थ ईयर में रेजिडुअल वैल्यू, जो भी कबाड़ी की वैल्यू हमें थी, ठीक है। चालू करते हैं, अब डिस्काउंट रेट क्या है वो, तो सर डिस्काउंट इसमें से घटाना पड़ेगा, कितना परसेंट, 16%। अब 16% वो जो इंटरेस्ट रेट कह रहा है, देखो हमने जो पेमेंट करी है 1,30,000 रुपये वो तो अभी पेमेंट करी है, तो मैं या फिर ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपये वो कब पेमेंट कर रहे हैं, 4 साल बाद, मैं ये जो 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं वो 4 साल बाद की कर रहे हैं, क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू, खुद समझ रहे यार ध्यान से, हमें निकालना है प्रेजेंट में उसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है जिस हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इसका टोटल देखोगे हमने किस्तों में कितने रुपये चुकाए, उसने बोला टीवी तो 2.5 लाख का था लेकिन किस्तों में आपको इतने इतना रुपए चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने कितने रुपए चुकाए, 1, 30, 80, 40 और 25 और 10 कर लेते हैं, एक बार गलती ना हो जाए भाई, 1, 30 जमा में 80 जमा में 40 जमा में 25 और जमा में 10, यानी हमने जो टोटल रुपए चुका, एक सेकेंड भाई दोबारा, 130 प्लस में 80 था ना ये, हाँ जी 80 फिर 40, क्या हो रहा है कैलकुलेटर बखरा ही खराब हो रहा है, 30 प्लस में 80 प्लस में 40 जमा में 25 और जमा में 10। तो हमने जो टोटल रुपए चुकाए वो हमने चुकाए 285, आप समझ रहे हो, हमने जो किस्तों में पेमेंट करी है वो 285,000 रुपए की पेमेंट करी हमने, एग्जाम में केवे मत लिखना भाई प्लीज, ठीक है। तो हमने 285,000 रुपए की पेमेंट करी, टीवी था कितने का, 2.5 लाख का, हमने कितने की पेमेंट करी, 285,000 रुपए की, यानी हमने 35,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे उन्हें एक्स्ट्रा दिए, उसने बोला भी था मेरे को 16% इंटरेस्ट चाहिए, है ना, चलिए तो 16% उनसे इंटरेस्ट चाहिए था इसलिए हमने 35,000 रुपए दे दिए। अब चलिए हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, यानी एक्चुअल में हमने कितना वैल्यू दिया होगा, उसे कितना अमाउंट दिया होगा, आपको क्या लगता है आज के हिसाब से हमने उसने 2.5 लाख रुपए लिए, नहीं थोड़े से फालतू पैसे लिए, वो इंटरेस्ट रेट घटाने के बाद पता चलेगा। जैसे ये वाला पेमेंट है यहाँ पे निकाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला सिखाया था सर आपको बचपन में, याद ना हो तो फिर आप याद कर लो, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू निकलती है जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है, जैसे ये फ्यूचर वैल्यू देखिए ना, इसी को मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू, तो जितनी भी आपकी फ्यूचर वैल्यू है जो भी आपने दी है उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 1/2
जो भी वो था क्या था, वन प्लस में इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 पावर में n, ये आपका फॉर्मूला था। अगर आपको याद ना हो तो मैंने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर सिखा चुका हूँ ये वाली, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाफट से जाओ देख के आओ। तो ऊपर लिखना तो होता है क्या चीज, जो फ्यूचर वैल्यू होती है, मतलब जो फ्यूचर वैल्यू होती है, फिर जो पैसिव वैल्यू होती है फेयर वैल्यू, अपॉन में आ जाएगा वन प्लस में इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को शायद मैंने आई बोला था या फिर रेट बोला था, बात देखिए आई अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में मतलब पावर में। एक सेकंड भाई, हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर समझिए ध्यान से हो क्या रहा है। तो हमें निकालनी है हमें प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको 16% के हिसाब से डिस्काउंट निकालना है कि हमने डिस्काउंट कितना दे रखा है। तो देखिए अभी हमने कोई मशीन खरीदी, कोई हमने टीवी खरीदा 2.5 लाख का, तो हमने 1,30,000 की डाउन पेमेंट करी है, तो अभी हमने डाउन पेमेंट करी 1,30,000 की, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो अभी ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी उतनी उतनी ही रहेगी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि इसको एक से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कोई वैल्यू गिरी नहीं है, जो भी हमने दिया है वही उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि 1,30,000 रुपये। यानी हम अभी जो 1,30,000 रुपये हम दे रहे हैं उसकी अभी ही वैल्यू कितनी रहेगी, 1,30,000 ही रहेगी, समझे। चलिए तो अगला कह रहा है एक साल बाद, मतलब कि इस साल के एंड में, मतलब कि अगले साल की शुरुआत, वही दूसरे साल पे हम दे रहे हैं कितने रुपए उसे, उसे दे रहे हैं हम 80,000 रुपये। लेकिन अगर जैसे कोई बंदा कह रहा है भाई अभी मेरे को 80,000 रुपये दे दे बेचारा भाई प्लीज, ठीक है, कोई मेरे को कह रहा है भाई अभी मेरे को 70,000 रुपये दे दे, एक साल बाद, कितने साल बाद, एक साल बाद मैं आपको 70,000 रुपये दे दूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा लॉस, भाई मेरे को लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हो ही रहा और इन्फ्लेशन की वजह से मेरे जो रेट है उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है। तो मैं बोलूंगा कम से कम भाई इस पे कितना परसेंट, मान लो 10% इंटरेस्ट लगा के 77 पे दे दे, तभी तो मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। समझ में, वैसे ही यानी कि एक साल बाद कोई बंदा अगर मेरे को 77 देगा तब जाके मेरे को इस साल के आज के टाइम के 70,000 रुपये मिलेंगे, वही वहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर कोई मेरे को एक साल बाद 80,000 रुपये दे रहा है तो आज के टाइम के मेरे को कितने रुपये मिले होंगे, मैं इंटरेस्ट रेट क्या मान के चल रहा हूँ 16%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर कैसे करना है देखिए ध्यान से, अगर कोई कैलकुलेटर नहीं लगेगा तब आप पैसे निकालोगे यही फॉर्मूला लगा के, 80,000 ठीक है अपॉन में कितना था वो इंटरेस्ट रेट 16%, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 16 अपॉन में 100 और पावर में कितना है भाई, दो साल है ना दूसरा साल, तो दूसरा साल दो, सिंपल सा जीना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। तो एक बार कर लेते हैं, अच्छा कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं सर, कैलकुलेटर पे, अच्छा यहाँ पे सॉल्व करोगे तब तो आपका आंसर आ ही जाएगा, मैं कैलकुलेटर बताता हूँ, बहुत सिंपल सर रहता है कैलकुलेटर लेके जाना क्योंकि जरूरी है, बस ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मेरे पर, मैं तो ये वाला कैलकुलेटर नहीं ले सकते, 100 रुपये का 150 रुपये का जो भी नॉर्मल कैलकुलेटर आता है वो ले जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन कोस टेन की वैल्यू दे रखी होती है, तो ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में। चलिए तो मैं कर लेता हूँ, जब आप एग्जाम में करोगे तो आप करोगे एग्जाम में जब आप करोगे तो वही करना पड़ेगा ना, 1/ हाँ जी ठीक, तो 1/ आपको बस इतना लिखना है, देखो जब एग्जाम में लिखने बैठोगे तो 1/ उसके बाद आप लिखोगे 1 प्लस में 1.6 सॉरी 16% था ना तो 0.6, क्योंकि 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा ना भाई, सॉरी 0.16 आएगा भाई, और 0.16 ठीक है, तो 0.16 इतना हो जाएगा, उसके बाद आप इज इक्वल टू कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और बार बार वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू दबाते जाना आपका आंसर आते जाएंगे। फिलहाल मैं कर लेता हूँ एक बार थोड़ा सा 1, ये थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर तो इसमें बसर होती है, 1/ कितना था ब्रैकेट के साथ इसमें प्लस में 0.16 है ना, चलिए तो इसका आ गया भाई, तो पहले का तो वही आएगा, दूसरे का आपका आ गया 0.8620 ठीक है, फिर अगले का फिर दोबारा इक्वल टू दबाते जाना तो अगले का आ गया 0.74316 ठीक है, फिर इक्वल टू दबा दोगे तो आ जाएगा 0.640657 ठीक है, अगले का फिर इक्वल टू दबा दोगे आपका आ जाएगा 0.552291 इस तरीके से, ठीक है भाई, बस आपको इक्वल टू दबाते जाना फिर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि और आप चाहो तो इस वैल्यू से निकाल लो, यानी कि आप अच्छा ये तो नॉर्मल ही है तो यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला, जीरो रहने वाला है, इस साल के निकालने के लिए 1 करना और अगले साल का निकालने के लिए 2 करना है, क्योंकि 2 साल बाद आपके इंटरेस्ट दे रहे हो, अगले साल के लिए 3 करना है कि 3 साल बाद इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इस तरीके से आपको सीधा डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी अगर आप ऊपर लिखते हो 80,000 रुपये को, अगर ऊपर 80,000 नहीं ले रहे तो अमाउंट चेंज करते जा रहे हो तो इनकी वैल्यू जाती जाएगी अलग अलग, ठीक है, अच्छा और ये वाली अमाउंट निकालने के लिए ये वाला अमाउंट तो ऐसे निकलेगा सर 1/1 + 0.16 की पावर 1, 2, 3 जो भी आप रखते जाओगे वो वैल्यू आती जाएंगे सारी सारी ये वाली वैल्यू, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो जैसे अगर आपने 1 रख दिया तो ये वाली वैल्यू आएगी, 2 रख दिया होगा तो ये, 3 रखोगे तो ये, ऐसे वैल्यू आती जाएंगे, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं,
फिलहाल इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 80,000 मल्टीप्लाई में, 80,000 मल्टीप्लाई में 0.8620। हाँ जी, तो ये आपका आ गया 68960। ठीक है, अगला करते हैं भाई दूसरा, तो अगला करना है 40,000 मल्टीप्लाई में 0.74316। तो इसको कर देंगे तो ये आ गया आपका 29726। ठीक है भाई, चलिए अगला कर लेते हैं, 25,000 मल्टीप्लाई में 0.640657। यार ये फिर गड़बड़ हो गई कुछ, 25,000 डिवाइड में 0.64657। हाँ जी, तो ये आ गया 38665.6, मतलब 6 ही मान लो इसे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला कर लेते हैं, अगला है 10,000 मल्टीप्लाई में 0.552291। ठीक है भाई, तो अगर आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा 5523। तो ये आपका आ गया, बढ़िया। अब इसका टोटल कर देना, बस आपका जो प्रेजेंट वैल्यू उसने बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी कि कितना हो गया 1,30,000 प्लस में ये हो गया 68960 फिर प्लस 29720726 प्लस में 38666 प्लस में 5523। हाँ जी, तो आपको ये हो गया 272875। एक सेकंड दोबारा चेक कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या ना हुआ भी मत करें, ये जो 0.74316। चलिए भाई सबसे, ये 1,30,000 प्लस में, प्लस में कितना है 68960 प्लस में 29726 प्लस में 38666 प्लस में 5523। हाँ भाई, तो आपका ये आंसर आ गया, यानी कि 25,000 रुपये का जो कोर्स थी उसकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो पड़ी वो इतनी पड़ी। तो इतनी की वाली चीज़ को आपने कितने में इंटरेस्ट के साथ जो बेचा वो बेचा 285,000 में। सिंपल सर, तो ये आपका निकल गया पूरी मेरी प्रेजेंट वैल्यू, जो को पूछा था उसने MLP या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ये मीनिंग MLP या फिर इसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल, चलिए, और ये हो गई उसकी कोस्ट जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, और ये होता है क्या बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ जो आपको फ्यूचर वैल्यू मिली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर दोगे, जो भी आपको अमाउंट दे रखा होगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी, तो होप करता हूँ समझ में आ गया होगी वीडियो। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। ये लास्ट चैप्टर था और आपका कंप्लीट। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। ठीक है, और जिसको नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, और वीडियो शेयर करिए तो लाइक सब्सक्राइब करके कर जाना, और यहाँ पे खत्म होता है आपके सर पूरा पूरा सिलेबस। हाँ भाई, एक चीज़ और, जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, जितने भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने उनके पास्ट ईयर्स के एग्जाम देखे हैं। पास्ट ईयर्स के एग्जाम में ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन भी था और हायर परचेज भी था। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स थे। तो अगर आपको, लेकिन अब जो बुक दे रहा हूँ, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से जो आपकी बुक बनी है, उसके अंदर ना डेप्रिसिएशन है ना ही हायर परचेज है। आप करना चाहते हो तो बता देना कमेंट्स के अंदर कि भैया करवाने हैं, तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, अगर लग रहा है कि ठीक है इतने में, तो कोई बात नहीं सर, इतने पे वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी, प्लेलिस्ट पूरी खत्म हो चुकी है, आपकी बुक के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में क्या पता आ सकता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पहली बार आ रही है ना आपके साल में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो डेप्रिसिएशन और हायर परचेज करवाना, तो मैं करवा दूंगा इसके अंदर, आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन पास ईयर्स के एग्जाम में मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो अगर करना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक, मैं करवा दूंगा, और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, यहाँ पे आपकी सीरीज खत्म हो गई है। तो आज के बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। और भाई बढ़िया, कैसे चल रहा सब चीज?